सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा स्तरीय धरना रुआबांधा दशहरा मैदान में कांग्रेस द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए और अग्निपथ योजना से युवाओं को होने वाले नुकसान से लोगों को अवगत कराया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को पूरे देश में कांग्रेस द्वारा विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन सत्याग्रह किया गया। इसी कड़ी में रुआबांधा के दशहरा मैदान में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए। धरना प्रदर्शन में उपस्थित कांग्रेस नेताओं द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए इसके दुष्प्रभावों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की गई। अन्यथा की स्थिति में योजना को वापस नहीं लिए जाने तक इसका विरोध प्रदर्शन चरणबद्ध रूप से करने की बातें कही गईं। धरना प्रदर्शन सत्याग्रह को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह का कार्यक्रम का आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ला रही है, युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। और सत्याग्रह के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि युवकों के साथ कांग्रेस पूरी तरह से खड़ी है, क्योंकि ये योजना बहुत खतरनाक योजना है। 17 से 21 साल की उम्र में लड़का अगर सेना में जाता है तो न वो प्रशिक्षित हो पाएगा, न देश की रक्षा कर पाएगा, और वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर कुछ करने लायक नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी युवकों के साथ है, और नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इस काम को तत्काल बंद करें, योजना वापस है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर भविष्य में जैसा भी आदेश आएगा वैसा हम लोग आयोजन करेंगे। बहरहाल इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू, नगर पालिक निगम रिसाली के सभापति केशव बंछोर, भिलाई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह, नगर निगम के कांग्रेस के पार्षदगण सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।